शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार की प्रस्तुति शिक्षा दर्शन। बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। डीडी राजस्थान पर सोमवार से शनिवार क्लास 1 से क्लास 12 तक। क्लास 9th और 10th के लिए 12:30 से 1:30 बजे तक। क्लास 11-12 के लिए दोपहर 1:30 बजे से 2:30 बजे तक। और क्लास 1 से 8 के लिए 3:00 बजे से 4:15 तक। हेलो बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक की पढ़ाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की शुरुआत हम कक्षा 1 और कक्षा 2 की पढ़ाई से करते हुए गणित में एकैकी संगति के बारे में जानेंगे। बच्चों, कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई हो जाने के बाद हम कक्षा 3 से 5 की पढ़ाई की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हम गणित में 3 अंकों की संख्या का विस्तारित रूप देखेंगे। आप सभी से उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी और कलम अपने साथ रखी होगी और आप सभी पाठ को पढ़ने के क्रम में जरूरी बातों को भी नोट करते जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। एकैकी संगति यानी वन टू वन कोरेस्पोंडेंस से परिचय। हेलो दोस्तों, मैं हूँ तोता, आपका इस पाठ में स्वागत है। चलो देखते हैं कि आप इस पाठ में क्या सीखेंगे। वस्तुओं के जोड़े यानी पेयर्स क्या होते हैं और दो समान वस्तुओं का जोड़ा कैसे बनाते हैं। छोटू अपनी अलमारी में अपने कपड़े ठीक से लगा रहा है। ऐसा करने के लिए उसने सारे कपड़े अपने बिस्तर पर रखे हुए हैं। उसकी माँ उसके कमरे में आती है। अरे वाह छोटू, यह सारी जुराबें तो बहुत सुंदर है। तुम इनमें से कौन सा जोड़ा कल अपनी पहली क्रिकेट की कक्षा में पहनोगे? जोड़ा मतलब? मैं तुम्हें समझाती हूँ। चलो बताओ, हमारे पास कितने हाथ हैं? 2। हाँ, और कितने पैर? 2। बिल्कुल सही छोटू, यानी हमारे पास 2 हाथों का 1 जोड़ा है और इसी तरह हमारे पास 2 पैरों का भी 1 जोड़ा है। अच्छा, तो इस तरह तो हमारे पास 2 आँखों का भी 1 जोड़ा है ना माँ? हाँ बिल्कुल बेटा, तुमने सही समझा। पर माँ, जुराबों के जोड़े का क्या मतलब हुआ? हमारे पास 2 पैर हैं और हम हर एक पैर पर 1 जुराब पहनते हैं। दोनों पैरों पर हम एक जैसी जुराबें पहनते हैं, जैसे कि यह दोनों सितारों वाली जुराबें है ना? हाँ, क्योंकि हम इन दोनों सितारों वाली जुराबों को एक एक पैर में एक साथ पहनते हैं, इसलिए यह इन दो जुराबों का 1 जोड़ा है। इसका मतलब यह है कि 2 समान वस्तुओं के समूह को जोड़ा कहते हैं। ओह अच्छा, क्या तुम मुझे जोड़े का कोई और उदाहरण बता सकते हो? आपके 2 कान के झुमके। हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। मेरे दोनों कान के झुमके 1 जैसे दिखते हैं और मैं उन्हें एक साथ अपने एक एक कान में पहनती हूँ, इसलिए यह दोनों भी 1 जोड़े में हैं। क्या तुम्हें पता है कि इस जोड़े बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नहीं। इस जोड़े बनाने की प्रक्रिया को एकैकी संगति यानी वन टू वन कोरेस्पोंडेंस कहते हैं। चलो अब जल्दी से यह सारे कपड़े अंदर रख कर सो जाओ। तो बच्चों, क्या आप छोटू की तरह जोड़ों के और उदाहरण सोच सकते हैं? आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं के जोड़े क्या होते हैं।
दो समान वस्तुओं का जोड़ा कैसे बनाते हैं और वस्तुओं के जोड़े बनाने की इस प्रक्रिया को एकैकी संगति यानी वन टू वन कोरेस्पोंडेंस कहते हैं। अगली वीडियो में हम एकैकी संगति यानी वन टू वन कोरेस्पोंडेंस के कुछ और उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। दिलचस्प उदाहरण भाग एक। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि वस्तुओं के जोड़े क्या होते हैं, दो समान वस्तुओं का जोड़ा कैसे बनाते हैं और वस्तुओं के जोड़े बनाने की इस प्रक्रिया को एकैकी संगति यानी वन टू वन कोरेस्पोंडेंस कहते हैं। इस वीडियो में हम एकैकी संगति यानी वन टू वन कोरेस्पोंडेंस के कुछ और उदाहरण देखेंगे, जिनमें हम एक ही कार्य में इस्तेमाल होने वाली दो वस्तुओं के जोड़े बनाएंगे। आज छोटू की क्रिकेट की पहली कक्षा है, उसे अपना बल्ला और अपनी गेंद नहीं मिल रहे। वह अपनी माँ से मदद मांगता है। माँ, क्या आपको पता है कि मेरा बल्ला और मेरी गेंद कहाँ रखे हैं? हाँ छोटू, उस कुर्सी पर रखे हैं। जल्दी जल्दी में तुम भूल गए कि तुमने इन्हें कल इस कुर्सी पर रखा था। ओ हाँ, धन्यवाद माँ। तुम्हारी यह सितारों वाली जुराबों का जोड़ा तो बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद माँ। क्या तुम्हें पता है कि जैसे यह जुराबें एक जोड़े में हैं, वैसे ही तुम्हारा बल्ला और गेंद भी एक जोड़े में है? पर कैसे माँ, यह जुराबें तो एक जैसी दिखती हैं और मैं इन्हें साथ में पहनता हूँ, इसलिए यह जोड़े में है। यह बल्ला और गेंद कैसे जोड़े में है? मैं तुम्हें समझाती हूँ बेटा। तुम बल्ले और गेंद को क्रिकेट खेलते समय साथ में इस्तेमाल करते हो, है ना? हाँ माँ। यानी दो वस्तु जो साथ में किसी कार्य में इस्तेमाल होती हैं, वह भी एक जोड़े में कहलाई जा सकती हैं। ओह अच्छा, आप मुझे ऐसे जोड़ों के और उदाहरण बता सकती हो? हाँ क्यों नहीं बेटा। उस मेज पर रखे कागज और कलम को देखो। इन दोनों वस्तुओं को हम लिखते हुए इस्तेमाल करते हैं, यानी कलम और कागज भी एक जोड़े में है। हाँ छोटू, तुम बिल्कुल सही हो। अब क्या तुम मुझे ऐसे और जोड़ों के उदाहरण बता सकती हो? पैंट और शर्ट। हाँ छोटू, पैंट और शर्ट का भी एक जोड़ा होता है। पर क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह दोनों एक जोड़े में कैसे होते हैं? हाँ, हम पैंट और शर्ट को साथ में पहनते हैं, इसलिए यह दोनों एक जोड़े में है ना माँ? हाँ छोटू, बहुत अच्छे। चलो अब जल्दी से अपनी कक्षा के लिए चलो, वरना तुम्हें देर हो जाएगी। बच्चों, क्या आप भी अपने आसपास ऐसे जोड़ों को पहचान सकते हो? बस आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि हम एक ही कार्य में इस्तेमाल होने वाली दो वस्तुओं के जोड़े कैसे बनाते हैं। अगली वीडियो में हम एक और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों। दिलचस्प उदाहरण भाग दो। तो बच्चों, पिछली वीडियो में आपने कुछ उदाहरण देखे जिनमें आपने एक कार्य में इस्तेमाल होने वाली दो वस्तुओं के जोड़े बनाए। इस वीडियो में हम एकैकी संगति यानी वन टू वन कोरेस्पोंडेंस का एक और दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। आज छोटू का जन्मदिन है और उसके दोस्त एक एक करके आना शुरू हो जाते हैं। छोटू की माँ छोटू के जन्मदिन का केक लाती हैं। फिर छोटू अपना केक काटता है। चलो अब मैं सब बच्चों के लिए केक का एक एक टुकड़ा काट देती हूँ। अरे पर मुझे तो पता ही नहीं कि कितने लोगों के लिए केक के टुकड़े काटने हैं। माँ, आप सारे केक को टुकड़ों में काटकर एक एक करके हम सबको एक टुकड़ा दे दो। अरे हाँ छोटू, यह तो बहुत ही आसान है। यह टुकड़ा आरती के लिए, यह वाला सोनू के लिए, यह वाला नेहा के लिए,
और यह वाला छोटू के लिए। ये हम सबको केक का एक टुकड़ा मिल गया है। हाँ छोटू, हालांकि कितने बच्चों को केक के टुकड़े देने हैं मुझे यह नहीं पता था, पर तुम्हारे विचार के अनुसार मैंने एक बच्चे और एक केक के टुकड़े का एक जोड़ा बनाकर हर एक बच्चे को एक टुकड़ा दिया और इस तरह सब बच्चों को एक केक का टुकड़ा मिल गया। इसी तरह जब हमें किसी भी दो वस्तुओं की संख्या ना पता हो और हमें यह जानना हो कि उन दोनों की संख्या समान है या नहीं, तब हम उन दोनों वस्तुओं का जोड़ा बनाकर यह जान सकते हैं। वह तो ठीक है माँ, पर अब जो केक के टुकड़े बच गए हैं उनका क्या? किसी भी बच्चे को एक और टुकड़ा चाहिए? सारे बच्चे अपना हाथ उठाते हैं। सबको एक और टुकड़ा चाहिए। यह आरती के लिए, यह सोनू के लिए। अरे केक के टुकड़े तो खत्म हो गए। कोई नहीं, चलो आरती तुम अपना टुकड़ा नेहा के साथ बांट लो और सोनू तुम अपना टुकड़ा छोटू के साथ बांट लो। ऐसे सबको समान मात्रा में केक मिल जाएगा। आपने देखा कैसे सब बच्चों ने केक खाकर खूब मजे करे? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना कि वस्तुओं के जोड़े बनाकर उनकी संख्या की तुलना कैसे करते हैं। मुझे आशा है कि यह विषय आपको ठीक से समझ आ गया हो। बाय दोस्तों। हेलो बच्चों, आज हम बड़बोले चाचा की दिलचस्प कहानियों को सुनेंगे और तीन अंकों की संख्या के विस्तारित रूप के बारे में जानेंगे। अरे वाह, चंदा और गोलू पांडा भी चाचा के घर हमारे साथ कहानियां सुनने आए हैं। पहली कहानी का नाम है बांसुरी वाला। बहुत समय पहले जब शेर खान के परदादा राजा थे, अचानक उनके राज्य में बहुत सारे चूहे आ गए थे। चूहों ने पूरे राज्य में दहशत मचा रखी थी। वे गांव के घरों में जाके चुपके से सारा खाना खा जाते थे। राजा ने गांव में घोषणा कर दी, जो भी इन चूहों को गांव से बाहर निकालने में कामयाब होगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले गोलू के परदादा ने कोशिश की। उन्होंने लड्डू से एक कमरा भर दिया और दरवाजा खुला छोड़ दिया। उन्होंने सोचा कि चूहे रात में कमरे में आएंगे और वे उन्हें तुरंत बंद कर देंगे। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। चूहे कमरे में आए और उन्होंने कमरा बंद कर दिया। अगली सुबह जब चूहे बेहोश थे तो उन्हें गिना गया तो पता चला कि कुल 78 चूहे पकड़े गए थे। बच्चों क्या आपको याद है हमने कक्षा 2 में 2 अंकों की संख्या को लिखना सीखा था? आइए देखते हैं कि हम 78 की संख्या को कैसे लिख सकते हैं। हम 78 को इस तरह से 2 भागों में विस्तार करके लिख सकते हैं। 70 और 8 जोड़े। बहुत से अन्य लोगों ने गोलू पांडा के परदादा के बाद चूहों को पकड़ने की कोशिश की। उनके द्वारा पकड़े गए चूहों की संख्या इस तालिका में लिखी गई है। क्या आप 2 अंकों की संख्या को विस्तार करके लिखने की विधि का उपयोग करके रिक्त स्थान भर सकते हैं? सभी लोगों की कोशिश के बावजूद राज्य में अभी भी बहुत सारे चूहे थे। अंत में एक दिन गांव में बन्नी खरगोश बांसुरी वाला आ गया। वो अपनी बांसुरी बजाते हुए पूरे गांव में घूमता रहा। उसकी बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर चूहे उसके पीछे पीछे चलने लगे। सभी चूहे उसके पीछे इकट्ठे हो गए। उसने अपनी बांसुरी बजाना जारी रखा और सफलता पूर्वक चूहों को गांव से बाहर ले गया। राजा खुश हो गया और उसने बनी को इनाम में 625 सोने के सिक्के देने का फैसला किया। परंतु राजा ने सोने के सिक्के देने से पहले
एक शर्त रखी। उसने बनी को 625 को विस्तारित रूप में बताने को कहा। आइए देखें कि तीन अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में कैसे लिखा जा सकता है। चलिए हम 625 लिखने के लिए 600 से शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 600 में एक जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा? जी हाँ, आपने सही पहचाना, हमें 601 मिलेगा। ऐसे ही 600 में 2 जोड़कर हमें 602, 3 जोड़कर 603। ठीक उसी तरह अगर हम 600 में 25 जोड़ेंगे तो हमें 625 मिल जाएगी। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि 625 600 से 25 अंक आगे है। अब हम दो अंकों की संख्या को विस्तारित करने की प्रक्रिया का इस्तेमाल कर 25 को इस तरह भी लिख सकते हैं, 20 और 5 जोड़ें। इस प्रक्रिया को विस्तारित रूप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना कहा जाता है। बनी बहुत लोकप्रिय हो गया और वो अपनी बांसुरी बजाते हुए गांव-गांव घूमने लगा। अगले गांव से उसे 801 सिक्के इनाम के तौर पे मिले। क्या आप इस संख्या को विस्तारित रूप में लिख सकते हैं? आइए इसे एक साथ करते हैं। 801, ये संख्या 800 से एक अंक आगे है, इसलिए हम इसे 800 और एक जोड़ें। इस तरह विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। बनी गांव-गांव घूमकर थक गया। उसने सोचा कि इस गांव से उसे जो भी इनाम मिलेगा उससे वो एक छोटा सा घर खरीदकर अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजारेगा। आखिरी गांव से उसने सारे चूहे भगा दिए और उसे इनाम में इतने सिक्के मिले। क्या आप पहचान सकते हैं कि ये किस संख्या का विस्तारित रूप है? ये करना बहुत आसान है। पहले हम 70 और 8 जोड़ेंगे, ये बन गया 78। हम जानते हैं कि 400 से 78 आगे की संख्या 478 होती है। इस तरह हम संख्या को उसके विस्तारित रूप से पहचान सकते हैं। बनी ने अपना एक छोटा सा घर खरीदा और उसमें खुशी खुशी रहने लगा। बच्चों, इस पाठ में हमने तीन अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में लिखना सीखा और अगले वीडियो में हम हेलो बच्चों, क्या आपको बड़बोले चाचा की कहानी पसंद आ रही है? इस पाठ में हम तीन अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में लिखने से संबंधित कुछ साधारण गलतियां देखेंगे। बड़बोले चाचा चंदा और गोलू से कुछ पहेलियां पूछ रहे हैं। तुम दोनों में से जो मेरी पहेली का सही जवाब देगा उसे मैं एक टॉफी दूंगा, चाचा चंदा और गोलू से कह रहे हैं। क्या तुम इस विस्तारित रूप से संख्या बना सकते हो? चाचा ने अपनी पहली पहेली पूछी। चंदा और गोलू दोनों पहेली का उत्तर सोचने लगे। बच्चों, आप भी इस पहेली का उत्तर सोचो। चंदा ने तुरंत जवाब दिया, 352। क्या आपको चंदा का उत्तर सही लग रहा है? ये उत्तर गलत है, चाचा ने चंदा से कहा। क्या आप सही उत्तर जानते हैं? आइए इस पहेली को एक साथ हल करें। बच्चों, विस्तारित रूप को हम हमेशा तीन अंकों की संख्या, फिर दो अंकों की संख्या और अंत में एक अंक की संख्या इस क्रम में लिखते हैं। इसलिए हम इस विस्तारित रूप को इस तरह लिखेंगे। अब हम पहले 50 और 3 जोड़ेंगे, ये बन गए 53। अब हम 200 में 53 जोड़ेंगे तो बन गई हमारी संख्या 253। तो चाचा के पहेली का सही जवाब 253 है। आइए देखें कि चाचा की दूसरी पहेली क्या है। क्या इस संख्या दो संख्याओं का विस्तारित रूप एक समान है? चाचा ने चंदा और गोलू से पूछा।
गोलू ने जवाब दिया, हाँ। क्या गोलू का जवाब सही है? आइए देखें। इस पहेली को हल करने के लिए हमें दोनों संख्याओं के विस्तारित रूप लिखने होंगे। 798, हम 798 को विस्तारित रूप में इस तरह लिख सकते हैं। 897 को विस्तारित रूप में इस तरह लिखा जा सकता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं के विस्तारित रूप अलग अलग हैं। इसलिए गोलू का उत्तर गलत है। तुम्हें टॉफी नहीं मिलेगा गोलू, तुम्हारा उत्तर गलत है। तुमने विस्तारित रूप लिखते समय 100 और 1 के स्थानों के अंकों में अदला बदली कर दी, इसलिए तुम्हें दोनों विस्तारित रूप एक जैसे लगे, जबकि वास्तव में ये दोनों संख्याओं के विस्तारित रूप अलग अलग है। चाचा गोलू से कहते हैं, ये रही हमारी आखिरी पहेली, क्या तुम इस संख्या को विस्तारित रूप में लिख सकते हो? चाचा ने चंदा और गोलू से पूछा। चंदा ने ये जवाब दिया और गोलू का जवाब ये है। क्या आप बता सकते हैं कि किसका जवाब सही है? सोचो सोचो। आइए इस संख्या को विस्तारित रूप में लिखें। 553, 500 से 53 आगे है, इसलिए हम इसे 500 में 53 जोड़कर इस तरह लिख सकते हैं। अब हम 53 को विस्तारित रूप में 50 में 3 जोड़कर इस तरह लिखेंगे। इस तरह 553 का सही विस्तारित रूप ये है। चंदा ने संख्या को विस्तारित रूप में लिखते समय केवल तीनों अंकों को जोड़ दिया, जो कि कुल 13 बनता है, ना कि 553, जो गलत है। हम देख सकते हैं कि गोलू ने संख्या को विस्तारित रूप में लिखने की सही प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सही उत्तर लिखा है। शाबाश गोलू, तुम्हारा उत्तर सही है। ये रही तुम्हारी टॉफी, चाचा ने गोलू से कहा और उसे एक टॉफी दे दी। गोलू ने टॉफी का आधा हिस्सा चंदा को दे दिया। चंदा और गोलू ने टॉफी खा ली। अब वे दोनों अपने घर चले। बच्चों, इस पाठ में हमने 3 अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में लिखने से संबंधित कुछ साधारण गलतियां देखी। उम्मीद है कि आप वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। अलग अलग संख्याओं के दिलचस्प रूप देखेंगे। हेलो बच्चों, पिछले पाठ में हमने बांसुरी वाले की कहानी के जरिए 3 अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में लिखना सीखा। आज हम बड़बोले चाचा की एक और दिलचस्प कहानी के द्वारा 3 अंकों वाली संख्या के संख्या नाम से उसके विस्तारित रूप को लिखना सीखेंगे। लेकिन कहानी सुनने से पहले बड़बोले चाचा की एक शर्त है, पहले हमें ये तालिका पूरी करनी होगी, तभी चाचा हमें अगली कहानी सुनाएंगे। तो आओ बच्चों, मेरे साथ ये तालिका भरो। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगली कहानी का नाम है एकता में बल। बहुत समय पहले जंगल में एक शिकारी लोमड़ी रहती थी। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। बहुत दिनों से उसे एक भी शिकार नहीं मिला था, इसलिए वो शिकार की खोज में भूखी जंगल में भटक रही थी। तभी उसे दूर एक चिड़िया का झुंड दाना चुगते हुए नजर आया। लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। उसने दूसरे दिन वहाँ एक जाल बिछाया। रोज की तरह चिड़िया वहाँ दाना चुगने आई, लेकिन बेचारी जाल में फंस गई। उनमें से कुछ चिड़ियाओं ने सोचा कि वे जाल को लेकर उड़ जाएंगी। पहले 327 चिड़ियाओं ने मिलकर जाल लेकर उड़ने की कोशिश की। तो आइए देखें इस संख्या नाम को हम संख्या के विस्तारित रूप में कैसे लिख सकते हैं। क्या आपको संख्या नाम से संख्या लिखने की प्रक्रिया याद है? 327 300 से
27 अंक आगे, इसलिए हम इसे 300 में 27 जोड़कर इस तरह लिख सकते हैं। अब ये बिल्कुल आसान है, क्या आप 27 को भी विस्तारित रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, 27 को हम 20 में 7 जोड़कर इस रूप में भी लिख सकते हैं। हो गया हमारा विस्तारित रूप तैयार। जाल बहुत ही भारी था, नन्ही चिड़ियां उसे नहीं उठा सकी। फिर उसने एक तरकीब लगाई कि वे सभी एक साथ जाल को लेके उड़ने की कोशिश करेंगी। वहां पर 782 चिड़ियां थी। आओ मेरे साथ इस संख्या नाम को विस्तारित रूप में लिखो। 782, 700 से 82 अंक आगे है, इसलिए हम इसे 700 में 82 जोड़कर इस तरह लिख सकते हैं। 82 को हम 80 में 2 जोड़कर इस रूप में भी लिख सकते हैं। अरे वाह बच्चों, आप तो बहुत होशियार हो, ये बिल्कुल सही है। चिड़ियों की तरकीब कामयाब हुई, लोमड़ी उनके पीछे भागने लगी, लेकिन चिड़ियां ऊपर और ऊपर उड़ती चली गई। चिड़ियां लोमड़ी से तो बच निकली, लेकिन उनके पैर अभी भी जाल में फंसे थे। तभी उन्होंने एक और तरकीब लगाई। कुछ दूर जंगल के बाहर उनके दोस्त चूहे रहते थे, वे उड़कर चूहों की बस्ती में पहुंच गई। चिड़ियों को जाल में फंसा देख चूहे दौड़े चले आए। चूहे वहां पहुंच गए और जाल को काटने लगे। वहां कुल इतने चूहे जमा थे। क्या आप इस विस्तारित रूप में लिखी संख्या का संख्या नाम बता सकते हैं? पहले विस्तारित रूप में संख्या को पिछली वीडियो में सीखी प्रक्रिया से इस तरह लिखते हैं। अब हम इस संख्या को संख्या नाम में लिखेंगे। 569, ये कितना आसान था, है ना? 569 चूहों ने मिलकर जाल को एकजुट होकर काट दिया और चिड़िया उनका धन्यवाद कर खुशी खुशी अपने घर उड़ चली गई। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह एकता में बहुत बल है। बच्चों, इस कहानी से हमने संख्या नाम से 3 अंकों की संख्या को विस्तारित रूप में लिखना सीखा और सीखा कि किस तरह एकता में हमेशा बहुत बल होता है। आगे वीडियो में हम विस्तारित रूप से संबंधित कुछ सामान्य गलतियों को कवर करेंगे। बच्चों, आशा है कि आप सबको आज का पाठ पढ़ के बहुत मजा आया होगा। तो चलो देख लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 1 और 2 में गणित के एकाकी संगति के बारे में पढ़ा और कक्षा 3 से 5 में गणित में 3 अंकों की संख्याओं का विस्तारित रूप देखा। अब देखते हैं बच्चों कि हम कल क्या पढ़ने वाले हैं। कल हम कक्षा 1 और 2 में गणित में वस्तुओं के स्थान के बारे में जानेंगे और 3 से 5 में 3 अंकों की संख्याओं की कुछ और समझ लेंगे। एक जरूरी सूचना, आज का प्रसारित एपिसोड का पुनः प्रसारण YouTube पर भी किया जाएगा। आप शिक्षा दर्शन राजस्थान को YouTube पर सर्च करके इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव और अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं, शिक्षा दर्शन राजस्थान @gmail.com।